हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, तो आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो आज है संडे, संडे की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। और इधर सुबह सुबह लगाई थी मशीन, कुछ कपड़े ड्रायर करके तो अंदर डाले हैं, और कुछ ये है बाहर का काम है इस वजह से, और अभी कपड़ों का काम ख़त्म किया है, और जो है ना वो बाकी सफाई वगैरह जो है वो अभी होनी है। सिलेंडर निकाला है बाहर, इधर जूते पड़े हुए हैं, और अब होने लगी है कमरे की सफाई। अदान साहब बैठे हुए हैं कार्टून देखने, अभी अदान को उठा के बाहर बिठाना है, और करनी है सफाई। और आज हमने बनाने हैं आलू गोश्त। सफाइयाँ करके तो फिर अब हो रही है कमरे की सफाई। इधर से हटाया बेड और सारा कचरा जो है वो निकाला है, क्योंकि सर्दी इतनी है और जगह जो है वो कम है, तो सामान जो है वो साथ साथ पड़ा हुआ है, फिर सफाई करने में मुश्किल होती है। तो ये सारा पीछे से हटा के तो साफ किया बेड, अब है कमरे की सफाई। और सर्दी हो या गर्मी हो, सफाई तो ज़रूरी है, करनी चाहिए, वरना सर्दी में गंद पड़ा रहे तो सफाई ना हो तो नहुसत ही फैली रहती है, इसलिए सफाई जो है ना वो ज़रूरी है। तो सर्दी भी बहुत है और ज़रूरी है। ये उसकी जो है ना डस्टिंग करनी भी जो है वो मुश्किल है, क्योंकि पीछे खड़े होना, और फिर मैंने इधर से ये बेड थोड़ा सा हटाया उसकी बेड की डस्टिंग करने के लिए। मैं लगा रही हूँ इधर पोचा, इधर की जो चारपाई है वो बाहर निकाली है, वो काफ़ी दिन हो गए हैं पोचा नहीं लगा, तो ऐसे पैरों से ना मिट्टी अंदर आती है। लगा लिए, सफाई भी होगी, डस्टिंग वस्टिंग सारा कुछ। अब इसकी चारपाई मैं इस कमरे की लेके आऊँगी अंदर, वापस बिस्तर फिर वहीं लेके आएंगे, क्योंकि बाहर ज़्यादा देर रखे तो फिर भी ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि धूप निकले भी तो हमारे घर तो धूप ने आना नहीं, बंद है सारा। हम लोगों ने जो है कमरे में पंखा भी चलाया हुआ है, और जो है पोछा जो भी है लगाया हुआ है, और जो है बाकी जो है सेटिंग हो चुकी है। तो आपको, आप भी हमारे साथ रहें और हम आपको दिखाते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरा। ये तो कमरा कंप्लीट हो गया, पोछे सफाइयाँ डस्टिंग हर चीज़, बिस्तर फिर वैसे ही वो कर दिया है, क्योंकि बिस्तर बाहर भी ठंडा हो रहा था, तो ऊपर पंखा चलाया हुआ है ताकि जल्दी खुश्क हो जाए। और अब है बाहर की बारी, मशीनें मैंने उठा दी हैं क्योंकि कपड़े धुल गए थे, इधर मैंने शेल्फ साफ करके ऊपर चूल्हे वगैरह रखे हुए हैं ताकि नीचे से धुल जाए। ये सेन की बारी है, तो सेन को मैं अच्छी तरह से ये कर रही हूँ, आप छुट्टी जो है ना वो निकल जाए। तकरीबन आधा जो है वो धुल गया, और अब चारपाई को खड़ा करेंगे। और मैंने इधर लगाया हुआ पंखा ताकि ये खुश्क हो जाए जल्दी, फिर चूल्हा जलाना है, सालन बनाना है। तो काफ़ी दिन बाद धोया है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि धुलता ही नहीं। मशीनें भी उठा दी हैं, ऐसे कपड़ों वाले ब्रश के साथ कर कर के ना, तो फिर जो है वो सारी मिट्टी जो है वो निकाली, पैरों से मिट्टी आती है अंदर इतनी। वाशरूम भी आपको दिखाती हूँ, कल मैंने तेजाब डाल के तो फिर वाशरूम भी धोया था तेजाब के साथ, और
धूप है बाहर हल्की हल्की, लेकिन हमारे घर नहीं है। कमरे की भी सफाई हो गई, एनुआ बैठ गई है बिस्तर में, रख लिया ऊपर सारा कुछ डाल के। अब आलू काटे और इसमें जीरा पीस के डालना है। आलू काट के रख लिए पानी में डिप करके, और गोश अभी बन रहा है। बच्चे बैठे हैं बिस्तर में लाइट बंद करके, तो लग रही थी सर्दी, वो बैठ गए अब बिस्तर में। अब हो रही है गोश्त की बुनाई, गोश्त गल गया। गोश्त मैं भून रही हूँ, गोश्त भून के फिर उसके अंदर डालेंगे आलू। सर्दी भी अब लग रही है बहुत, क्योंकि सुबह के पानी वाला काम कर रहे हैं इस वजह से, और धूप ही बस थोड़ी सी है, लेकिन वो भी बाहर इधर नहीं। अब ऊपर ले ली है चादर, क्योंकि मुझे लग रही थी सर्दी। सर्दी लग रही है बहुत, धोया है शायद इस वजह से ज़्यादा ठंडा हो गया। तो गोश्त जो है उसकी बुनाई हो गई थी, अब मैंने डाले हैं आलू। सर्दी में शोरबे वाला सालन अच्छा लगता है, ये फिर वैसे भी आलू नहीं खाती, आलू डाले हैं। जो है बुनाई हो गई थी आलू और गोश्त की, अब मैंने डाला है इसमें पानी। साइड पे ये थोड़ी सी मेथी डाली है खुशबू के लिए, बन गया। और सालन मैंने उतार लिए, अब बनाने लगी रोटी। रोटियां सिर्फ जो है ना वो चार ही बनेंगी, तो कम बनानी है, क्योंकि ज़्यादा बना लो तो फिर वो ठंडी हो जाती हैं, इसलिए फिर रोटी मैंने ऊपर डाल ली है। गैस जो है ना दूसरा वो नहीं आ रहा आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है गैस की, तो ये हर तरफ ही है, हर जगह ही है। सेन भी हमारा खुश्क हो गया है। एक रोटी बन गई है, बच्चों के लिए सालन डाला हुआ है ठंडा होने के लिए। पानी पीने के लिए भी ना गरम कर रही हूँ मैं, क्योंकि ठंडा पानी नहीं पीती। और रोटी इधर जो है वो बन गई है, अब मैं बच्चों को रोटी देने लगी हूँ। तो ये था आज का दिन जो हमने आपके साथ शेयर किया, आज की रूटीन। इसमें इसलिए डाला था ताकि जल्दी ठंडा हो जाए सालन। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो जी सर्दी इतनी ज़्यादा है सर्दी के कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे हुए, और अदान एनु भी बैठे हुए हैं। तो आप लोग को मैं इसमें बताया कि आपके वहाँ पे सर्दी पड़ रही है। आज हमने बनाने हैं शलजम, और शलजम खाली बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं डालना, ना गोश्त ना दाल कुछ, क्योंकि एनु को बड़ा मसला होता है, कुछ भी डाल लो इसमें। तो आज शलजम खाने को दिल कर रहा था, तो हमने सोचा क्या बनाए, हर चीज में आलू 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 खा के ना बस तंग आ गए, इसलिए हमने ना सोचा कि आज शलजम खाली बनाए। आलू तो हमने कल भी बनाए थे,
सर्दी ने भी हद कर दी है कि खाना बनाना भी ना हाँ, बड़ा मुश्किल मेरा हुआ टीचर पड़ा है। मम्मा ये देखो इसने क्या किया है, क्या किया मेरे ट्यूशन वाले टीचर पे लो एनू के काम देख लो एक पेज किया। बच्चों को स्कूल भेजना बड़ा अजाब बना हुआ है इतनी सर्दी है कि ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे ना मैं हेड बना के उसके ऊपर मेहंदी लगा रही हूँ। हम चलें इसमें जी बताएं कि कैसे। आगे भी आपको बताएंगे दिखाएंगे दान के काम देखें कहाँ पे लेटा हुआ है बस सारा सारा दिन यही कुछ किया है पढ़ा तो कुछ नहीं मस्ती की है बस हाल देख लो दान इधर देख शर्म कर किधर ऊपर चढ़ा हुआ है आज इधर ही रहना इधर ही रहना ठीक है, मैं यहाँ पे सोऊंगा और यहाँ पे सोना।